गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट जिसका हमारी बॉडी में है। दोस्तों, इसके फ़ायदे और इसके नुकसान और इसे लेने की तरतीब, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप बिल्कुल ना करें और मैं आपको डिटेल से इसकी ए टू जेड नॉलेज देने वाला हूँ। दोस्तों, एक तो होती है रूमी मस्तगी, जो कि एक बारीक 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 कंकर के समान होती है, येलो कलर की होती है, जिसका फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों, ये है रूमी मस्तगी, ये ओरिजिनल रूमी मस्तगी है। दोस्तों, रूमी मस्तगी लोकल भी आती है, उसका इस्तेमाल कतई ना करें, उसका भी फ़ोटो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले आप इस रूमी मस्तगी की पहचान करें। ये रूमी मस्तगी ओरिजिनल है, येलो कलर की है। और दोस्तों, अगर आप इसे छेतोगे, इसकी कुटाई करोगे तो ये चिपक जाएगी, और इसे रगड़ोगे तो इसका चूर्ण बन जाएगा। इसकी ये पहचान है ओरिजिनल की। दूसरी बात दोस्तों इसकी ये है कि अगर आपको आंतों में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उन तमाम बीमारियों में ये काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। और दोस्तों, इसका प्रयोग सेक्सुअल समस्या में भी किया जाता है। इसका प्रयोग सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी किया जाता है, जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। दोस्तों, एक इसका माजून आता है, माजून होता है, माजून का नाम है जवारिश मस्तगी। ये वाला दोस्तों, ये है जवारिश मस्तगी, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बना है, आपके माउथ से लेके फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस कहते हैं भोजन नलिका को, फिर स्टमक कहते हैं पेट को, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन में ही जुड़ा होता है अपेंडिक्स। दोस्तों, अगर किसी के अपेंडिक्स का पेन होता हो उसमें भी ये फ़ायदेमंद है, और लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, सोराइसिस हो आदि बीमारी में काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेट में, जो आदमी कहता है कि मेरे पेट में आग सी महसूस हो रही, तो उस आग को ये ख़त्म कर देता है, एक पाचन क्रिया को इतनी परफेक्ट कर देता है, इतनी बढ़िया कर देता है कि खाना पीना बहुत अच्छे से लगना शुरू हो जाता है, आदमी हेल्थी होना शुरू हो जाता है, और जो भी इन्फेक्शन होता है वो सब ख़त्म हो जाता है बॉडी का। तो दोस्तों, आपको बता दूं इस जवारिश मस्तगी में यूज़ क्या क्या है। इसमें सफ़ेद खांड का इस्तेमाल किया हुआ है, और सफ़ेद खांड दोस्तों ये वाली, और गुल सुर्ख होता है गुलाब की पत्ती का अर्क का इस्तेमाल इसमें किया हुआ है, और तीसरी चीज़ है दोस्तों रूमी मस्तगी। रूमी मस्तगी इसका नाम इसी लिए रखा गया है क्योंकि इसमें रूमी मस्तगी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया गया है, गुल सुर्ख का इस्तेमाल किया गया है, और सफ़ेद खांड का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अगर आप इस जवारिश कामुनी का प्रयोग बादियान या अर्क मकों के साथ इस्तेमाल करोगे, या अर्क बादियान के साथ इस्तेमाल करोगे, तो इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होंगे। अर्क मको दोस्तों हमदर्द कंपनी का लें, और हमदर्द कंपनी का ही जवारिश मस्तगी लें। जवारिश मस्तगी ये वाला लें दोस्तों, और अगर आपको अर्क मको से खानी हो
तो अर्क मकोबी हमदर्द कंपनी का ये वाला लें। और अगर आपको बादियान से खानी हो अर्क बादियान से, तो अर्क बादियान भी ये वाला लें। दोस्तों 15 ml अर्क मको या अर्क बादियान के साथ आधी चम्मच जवारिश मस्तगी की लें। इसका इस्तेमाल दोस्तों 3 से 4 महीने तक के करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, बदहजमी होती हो, एसिडिटी बनती हो और आपके थॉट्स जो होते हैं, आपकी सोच जो होती है वो ख़राब होती चली जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर ना होने की वजह से एक ब्रेन पे लोड पड़ जाता है जिसकी वजह से आदमी डिप्रेशन में चल जाता है, उस समस्या में भी दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो जब भी रूमी मस्तगी ले दोस्तों, ये पहचान करके ले कि कौन सी ओरिजिनल है कौन सी लोकल है। दोस्तों ये वाली रूमी मस्तगी ओरिजिनल है, मैंने फिर आपको दिखा रहा हूँ, यह वाली रूमी मस्तगी ओरिजिनल है और ये वाली बिल्कुल ना ले, ये वाली लोकल है दोस्तों, ये वाली रूमी मस्तगी लोकल है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अगर और कुछ भी नॉलेज आपको लेनी हो, कुछ और पूछना हो आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, डिटेल्स दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9634919282। अल्लाह हाफिज़।